जय माता दी दोस्तों। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है दोस्तों। देखिए दिया जल रहा है माता जी के सामने मेरे, और मैंने पूजा ख़त्म कर लिया। देखिए मेरे जवारा इतने बड़े बड़े हो गए। मैंने कहा था ना कि मैं एक दो दिन के बाद दिखाऊंगी, तो ये मेरे जवारा हैं। वो दिख भी नहीं रहा ढंग से। ये देखिए इतने बड़े बड़े ये इनमें निकल आए हैं। ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये मेरी माता रानी का दिया जल रहा है यहाँ पे। ये माता रानी है। तो पूजा भी मैंने ख़त्म कर लिया है। अब मैं किचन में बना रही हूँ थोड़ा सा उसका साबूदाना का बना रही हूँ, ऐसे खिली खिली खिचड़ी जिसको बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ। मैं थोड़ा बना के आई हूँ, अभी किचन में चल के दिखा रही हूँ मैं। ये आ गई किचन में मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए किचन में मैंने खिचड़ी बनाई है खिली खिली साबूदाने की। ये इसी को शाम को खाऊंगी। ये देखिए ये बनकर तैयार हो गई है। इसी को खाऊंगी रात में। आज सुबह मैंने लौकी की बनाई थी खीर, उसको खाया था, और इसको अब शाम को खा लूंगी। और गुनगुन भी पढ़ाई कर रही है अभी, अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही है वो भी। इधर लिख रही है, उसको कुछ प्रोजेक्ट मिला है। ये देखिए वो भी पढ़ाई कर रही है। सारा सामान ऐसे ही नवरात्रि में फैला हुआ पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा व्रत चल रहा है 9 दिन का, बड़े मुश्किल से सब हो पा रहा है, कोई है भी नहीं करने वाला। तो मेरा नाश्ता तो तैयार हो गया है, तो उसको अब खाऊंगी मैं। आप ब्लॉग में बने रहिए। कुछ भी होता है सब ऐसे ही फैला पड़ा है, सारे कपड़े वपड़े सब जैसे तैसे ऐसे ही फैला हुआ पड़ा। ये मेरा दूसरा बेडरूम है, इसमें सोते नहीं हैं, बट कभी कभी लेट जाते हैं ऐसे ही। जब गुनगुन के डैडी आते हैं तभी आते हैं इस कमरे में, नहीं वैसे तो ये बंद पड़ा रहता है ज़्यादातर, बंद रहता है। बेड पड़ा है और अलमारी एक खड़ी हुई है। और ये तो गुनगुन का कमरा है, ये देखिए इसी में लगी हुई है पढ़ाई लिखाई में अपना। ये उसका स्टडी टेबल इधर लगा हुआ है। सही, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए ये खिली खिली एकदम बनी हुई है। लाइट अच्छे से मुझे लगता है इसलिए हर अच्छी हो गई लाइट। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही। बस मैं ऐसे ही बना के खा लेती हूँ रात में, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही खा लेती हूँ। एप्पल एप्पल खा ली हूँ अभी, थोड़ा सा ये खा लूँगी तो एकदम से ऐसे लगेगा ना कि कमजोरी ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो बस ऐसे ही इसी को खाऊँगी शाम को। अच्छी लग रही है। और अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता वीडियो बनाने का भी, कोई इतना पसंद नहीं करता, कोई देखता ही नहीं है। तो इससे अच्छा कि ना डाले रेसिपी, रेसिपी कुछ भी ना डालूँ, मेहनत फालतू में करनी पड़ती है। और फास्ट भी मेरा चल रहा है, आज से 4 दिन ख़त्म हो गए हैं। देखिए मेरी हालत भी ख़राब हो रही है। खाना भी ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, अपने लिए कुछ ऐसे ही बना के खा लेती हूँ। और गुनगुन कुछ मैगी वैगी ऐसे ही, मेरा ही व्रत वाला वो भी ज़्यादातर अब खाती है, उसके लिए भी ले आई हूँ। यही दोनों लोग खाएंगे यही। आज शाम को दूध पिलेगी उसका हो जाएगा, इतना ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। तो बताना फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा है। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। फिर मैं मिलूँगी अगले किसी छोटे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय माता दी, माता रानी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें, सबके चैनल मोनेटाइज हो जाएं। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा तो हुआ नहीं, 1 साल हो गया है कम्प्लीट,
पर मेरा तो सारा ही वॉच टाइम कट गया एकदम से, मैं लाइव भी नहीं कर पाती हूँ, वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ। तो मेरी तो सबसे यही आशा रहेगी माता रानी, तो यही मैं सबके लिए विनती करती हूँ कि सबके चैनल अच्छे से चलें और सबके मोनेटाइज हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो चलिए बाय दोस्तों, खा लेती हूँ, बाय।